Assalamualaikum friends, my name is Sajjad Ali and once again welcome to my YouTube channel Sajjad Creation. तो गाइस आ गए हूँ एक और न्यू कमाल की स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ. फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको न्यू लाइटिंग टेक्स्ट इफेक्ट जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा गाइज इस तरह का लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूँ वो भी काइन मास्टर के अंदर. तो गाइज अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, ठीक है. तो गाइज चलिए जो है बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस सबसे पहले आपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, देन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से 16:9 वाले रेशो पर टैप करके यहाँ से आपने क्रिएट के ऊपर टैप कर लेना है, ठीक है. उसके बाद आपने यहाँ से इमेज असिस्ट यानी बैकग्राउंड पर टैप करके एक ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड कर लेना है, इंसर्ट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स. उसके बाद गाइस अब आपने यहाँ पर ऑडियो को ऐड करना है. तो गाइस उसके लिए सिंपली आपने आ जाना है स्टार्टिंग में, देन ऑडियो पर क्लिक करके आप ऑडियो को ऐड कर लीजिएगा. मैं गाइस यहाँ पर एक वीडियो स्टेटस को ऐड करूंगा जो कि मैंने पहले बना रखा था और यहां से इसके ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करके वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ठीक है. तो गाइस फाइनली यहां पर ऑडियो ऐड हो चुका है. उसके बाद आपने बैकग्राउंड एंड ऑडियो की जो ड्यूरेशन होगी वो बिल्कुल इक्वल कर देनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स. तो गाइस उसके बाद आपने इस वीडियो को प्ले करके सुन लेना होगा इस सॉन्ग की जो फर्स्ट लाइन्स है गाइस वो क्या है और कौन सी है, ठीक है. उसके बाद आपने उसी पॉइंट पर आ जाना है जहां से आपकी लाइन्स जो है वो स्टार्ट होती हैं, ठीक है. उसी पोजीशन पर आपने आ जाना है, देन लेयर पर टैप करके टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है. देन गाइस यहां पर आपने सॉन्ग की जो फर्स्ट लिरिक्स होंगी गाइस वो आपने यहां पर सिंपली टाइप कर लेनी है, ठीक है. टाइप करने के बाद यहां से कर दीजिए ओके. ओके करने के बाद यहां से फॉन्ट के ऊपर टैप कीजिएगा, ठीक है. देन गाइज इन टेक्स्ट के ऊपर जो भी आप फॉन्ट यूज़ करना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है गाइज, लेकिन मैं जो यहाँ पर फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ. ये वाला फॉन्ट है गाइज जिसका नाम है रेमा चाइन स्क्रिप्ट पर्सनल यूज़. तो गाइज आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो गाइज फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर लीजिएगा. अप्लाई करने के बाद ओके कीजिएगा. देन आपने इन टेक्स्ट की साइज़ को इनक्रीज़ कर लेना है, बड़ा कर लेना है और इन टेक्स्ट को आपने बिल्कुल सेंटर पर जो है ना सेट कर लेना होगा, ठीक है. सेंटर पर सेट करने के बाद गाइज यहाँ से आपने इन एनिमेशन पर टैप करना है, देन यहाँ से स्क्रोल डाउन कर लीजिए गाइज. यहाँ पर आपको स्केल अप के नाम से एनिमेशन मिल जाएगा. ये वाला एनिमेशन आप ऐड कर लीजिए और इसकी टाइमिंग को 0.5 तक सेट कर लीजिए, ठीक है. उसके बाद बैक आ जाइए, देन आउट एनिमेशन पर टैप कीजिए और गाइज स्क्रोल डाउन कर लीजिए. यहाँ पर आपको स्केल डाउन वाला एनिमेशन मिल जाएगा, इस पर टैप कीजिएगा और गाइज इसकी टाइमिंग को भी 0.5 तक सेट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स. सो गाइज उसके बाद आपने टेक्स्ट वाली लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहां तक आपका बैकग्राउंड है, ठीक है. सो गाइज उसके बाद आपने आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग में, देन इस वीडियो को आपने प्ले करके सुन लेना है जो लिरिक्स गाइज आपने यहाँ पर एड की है वो कहाँ तक आ रही है, ठीक है. जहां तक लिरिक्स आ रही हो आपने उसी पॉइंट पर वीडियो को पॉज कर लेना है, देन टेक्स्ट वाली लेयर को आपने कर लेना है सिलेक्ट और गाइज यहां से आपने स्पिल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देन यहां से अगेन स्पिल्ट पर टैप करके यहां पर एक कट लगा दीजिए, ठीक है. उसके बाद गाइज अगेन वीडियो को प्ले करके सुन लीजिए नेक्स्ट जो लाइंस है गाइज वो कहां तक आ रही हैं. देन गाइज अगेन आपने वीडियो को पॉज कर लेना है और यहां पर भी सेम मेथड का यूज करते हुए आपने कट लगा देना है, ठीक है. इसी टाइप से आपने पूरी वीडियो के अंदर जो है ना लिरिक्स को सेट कर लेना है, कट्स लगाते जाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स. सो गाइज कट्स लगाने के बाद गाइज अब आप यहाँ पर इस सॉन्ग की सभी लिरिक्स को जो है ना ऐड कर लेना होगा, लिख लेना होगा, ठीक है. तो गाइज ये सब जो है मैं जल्दी जल्दी से लिख लेता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने. सो गाइज यहाँ पर मैंने सभी लिरिक्स को जो है ना ऐड कर लिया है, आपने भी सभी लिरिक्स को यहाँ पर लिख लेना होगा, ठीक है. सो गाइज लिरिक्स को ऐड करने के बाद आपने आ जाना है लिरिक्स के स्टार्टिंग में, ठीक है. स्टार्टिंग में आने के बाद गाइज आपने यहाँ से लेयर पर टैप करना है, देन यहाँ से गाइज आपको ये पेंसिल वाला आइकन शो हो जाएगा, हैंड राइटिंग वाला, ठीक है. इस पर टैप कीजिए, देन यहाँ से पेंसिल पर टैप कीजिए और यहाँ से ये वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है. उसके बाद यहाँ से आपने ब्रश पर टैप करके इस वाले सर्कल को ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है. उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है ना आपने फिंगर की हेल्प से लाइन को जो है ना ड्रॉ कर लेना है, ठीक है. ड्रॉ करने के बाद कलर पर टैप कीजिए, यहाँ से कलर को चेंज कर लीजिए और अगेन एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए. तो गाइज इसी टाइप से आपने यहाँ से कलर चेंज करते जाना है और आपने डिफरेंट कलर्स की लाइन्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है. तो गाइज लाइन्स को
ड्रॉ करने के बाद गाइज अब आपने लाइंस वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, देन जो है ना आपने इसे सेंटर पर कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है, ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो टेक्स्ट होंगे ना हमारे वो इन लाइंस के बैक साइड में होने चाहिए, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर सेट करने के बाद आपने यहाँ से चले जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन के अंदर, और गाइज यहाँ से आपने मल्टीप्लाई पर इन्हें सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपने इसकी लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहाँ तक आपका बैकग्राउंड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइज उसके बाद आपने आ जाना है स्टार्टिंग में, जहाँ से आपका लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है गाइज आपने उसी पॉइंट पर आ जाना है। देन गाइज आपने यहाँ से लेयर पर टैप करना है और उसके बाद स्टीकर के ऊपर टैप कर लेना है, ठीक है। देन गाइज यहाँ से आपने एक स्टीकर को डाउनलोड कर लेना होगा जिसका नाम है इन्फिनाइट ब्राइटनेस, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपको ये स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इस पर टैप करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इस पर टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद गाइज आपने आ जाना है सबसे लास्ट में, और यहाँ पर आपको ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा लाइटिंग वाला, इस पर टैप करके इसे इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद गाइज आपने इसकी साइज को बड़ा कर लेना है, और गाइज आपने ये ध्यान रखना है बिल्कुल इसे सेंटर में रखना है, जो आपने लिरिक्स ऐड कर रखी है उनके बिल्कुल सेंटर में ये आना चाहिए, जैसे मैं सेट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसकी लेयर को ले जाना है प्रोजेक्ट के एंड तक, बिल्कुल ठीक है। एंड तक ले आने के बाद आपने आ जाना है बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो टेक्स्ट वाली लेयर है उसके एंडिंग पॉइंट पर, ठीक है। एंडिंग पॉइंट पर आने के बाद आपने ये जो इफेक्ट वाली लेयर है गाइज इसे सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ से आपने ट्रिम और स्पिल्ट वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से स्पिल्ट पर क्लिक करके यहाँ पर एक कट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट वाली लेयर है उससे सिलेक्ट कीजिए, देन उसके एंडिंग पॉइंट पर आइए, उसके बाद इफेक्ट वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए, देन गाइज सेम मेथड का यूज करते हुए यहाँ पर भी आपने एक कट लगा देना है, ठीक है। इसी टाइप से गाइज आपने यहाँ पर जितनी भी आपकी जो टेक्स्ट वाली लेयर्स हैं उन्हें आपने सिलेक्ट करते जाना है, देन उनके एंडिंग पॉइंट पर जाकर आपने इफेक्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके जो है ना यहाँ पर कट्स लगा देने हैं, ठीक है। तो उसके बाद गाइज आपका जो स्टेटस वीडियो है वो बनकर रेडी हो चुका है। चलिए गाइज एक बार मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं एक कमाल का लाइटिंग लिरिकल कलरफुल स्टेटस वीडियो जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद गाइज आपने इसे सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप इसे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। सो गाइज ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।